जेंडर मीन्स लिंग। नाउन तो आप सभी जानते ही हैं, किसी व्यक्ति जगह स्थान का नाम नाउन कहलाता है, ये किसी ना किसी जेंडर में होता है। टाइप्स ऑफ जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन जेंडर, न्यूटर। जानते हैं एक एक करके इनके बारे में। मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग, ये पुरुष जाति का बोध कराता है। इट डिनोट्स अ मेल, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बॉय, अंकल, फादर, एक्टर, टाइगर, शेर, डॉग, कुत्ता, ये सब भी हमारे मेल जेंडर में आते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। ओके, नेक्स्ट है हमारा फेमिनाइन जेंडर, इसे हिंदी में कहते हैं स्त्रीलिंग, यह स्त्री जाति का बोध कराती है। इट डिनोट्स अ फीमेल, फॉर एग्जाम्पल गर्ल, डॉटर, सिस्टर, या मैं कहूँ टाइगर, सेनी, फीमेल डॉग, कुतिया, ये सब हमारी स्त्रीलिंग में आते हैं। थर्ड है न्यूटर जेंडर, यह निर्जीव चीजों का बोध कराता है, इसे हिंदी में कहते हैं नपुस्तक लिंग। इट डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल पेन हो गया, बुक हो गया, चेयर, या कोई भी हम जो नॉन लिविंग थिंग्स है, कार, बाइक, लैपटॉप, ये हमारी न्यूटर जेंडर में आती हैं। ये हमारे मेन जेंडर हैं, लेकिन मैं अगर कहूँ चाइल्ड तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस जेंडर में है, जैसे कि चाइल्ड, स्टूडेंट, तो ये हमारे कॉमन जेंडर युभलिंग कहलाते हैं। इसमें या तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग जाति का बोध होता है, फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, बेबी, पर्सन, एनिमल, स्टूडेंट, टीचर, क्लासमेट, ये सारे हमारे कॉमन जेंडर कहलाते हैं। बढ़ते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें ई डबल एस या आई एन ई का यूज़ करके हम जो होते हैं मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में चेंज करते हैं, जैसे कि प्रिंसेस, प्रिंस का प्रिंसेस, टाइगर का टाइग्रेस, हीरो का हीरोइन। बट ये हर जेंडर में स्टैंडर्ड नहीं है, कुछ एकदम अलग वर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि पीकॉक का पीहन, मोनी, हॉर्स, घोड़ा, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, मेयर, घोड़ी, नेफ्यू, भांजा या भतीजा, नीस, भांजी या भतीजी, फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा नीस। कुछ अलग ही जो हैं वर्ड्स होते हैं। ये टॉपिक ख़त्म होता है एंड आज का होमवर्क है आपको बैचलर एंड हॉप दो नाउन दे रही हूँ, बताना है किस जेंडर में से है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पसंद आई तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें।